हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार आप सभी को। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको मैं सॉफ्टवेयर से काम करने का आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं। तो चलिए आइए, वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आप देखेंगे हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ये। हाँ ठीक है, इसको नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। NFLG नाम से एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये समझना है कि हर कंपनी का अपना अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक तरह अगर लोगो इसका एक है तो फिर दूसरे कंपनी का भी सेम ऐसे लोगो। हर कंपनी का अलग अलग अपना अपना लोगो होता है, अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, अपना अपना प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चलिए हम अब इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। आप माउस को देखते रहिए, माउस स्क्रोलर को हमने ऑन किया, ये हमारा खुल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ लिखा है आईडी और पासवर्ड देने के लिए, ठीक है। तो कई बार आईडी होता है, पासवर्ड होता है, और कई बार नहीं होता है। तो इसमें क्या है, जैसा मुझे मालूम है इसमें आईडी पासवर्ड कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट ओके पे करेंगे तो हमारा खुलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ओके पे ओपन करने के लिए नहीं आ रहा है, ग्रे आ रहा है। अगर ये ब्लू आता तो फिर हम उस पर क्लिक कर सकते। इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमारा मशीन ऑन होना चाहिए तभी। तो इसके लिए हम अपना ऑन करेंगे, कंट्रोल पावर करेंगे। अब यहाँ ये देखिए, अब ये ब्लू हो गया, आपने देखा ये ब्लू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा खुल के आ गया हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये क्या क्या है भाई, क्या क्या है ये, क्या क्या है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं आपको लाइन से बताते चल रहा हूँ। ये हमारा चार हॉपर दिया हुआ है, ठीक है। एक में अब आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे पहले में क्या डाला हुआ है, दूसरे में क्या डाला हुआ है, तीसरे में क्या है और चौथे में क्या है, वो देखना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हॉपर में वाश सैंड है, यानी कि समुंदर का वो सैंड है। दूसरे में नॉर्मल सैंड जो हम लोग यूज करते हैं वो है। तीसरे में हमारा 3x8 का एग्रीगेट है, यानी 10mm का एग्रीगेट है। दूसरे में हमारा 3x4 यानी 20mm का एग्रीगेट है, ठीक है। और चलिए हम इधर आते हैं, तो हमारा कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है, उसके बाद उसके पीछे साइलो दिख रहा है, सीमेंट साइलो। एक तो बैक में छुपा हुआ है पाइप से और चार सामने दिख रहा है, यानी पांच साइलो वाला हमारा ये मशीन है। दोस्तों, आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता चलूँगा। कई जगहों पे तीन साइलो भी होते हैं, एक साइलो भी होते हैं, दो साइलो होते हैं, पांच साइलो भी होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे हो कि एक साइलो, दो साइलो, तीन साइलो और पांच साइलो का क्या मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको फुल फॉर्म में बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर वीडियो को देखते रहें। उसके आगे हम चलेंगे तो हमारा एक मेन हॉपर दिख रहा है यहाँ पे कन्वेयर से सटे हुए। ये क्या है मालूम? हमारा जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल है इस कन्वेयर के थ्रू आके यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और ये क्या है मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जाऊंगा, लिखा है सीमेंट, तो ये सीमेंट का होपर है, ठीक है। ये आपको एक दो तीन 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 इसमें लाइन है, यानी कि तीन कन अपना साइलो जो है ना वो सीमेंट का साइलो है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक दो तीन इधर से या फिर एक दो तीन इधर से, वो आपको लिखा रहता है। आप जब बाहर जाओगे अपने साइलो के पास तो लिखा रहता है कि कौन कौन सा सीमेंट का है, ठीक है। तो जो भी आप यूज करोगे ना तो उस साइलो से आपका सीमेंट इसमें आएगा,
फर्स्ट यूज करोगे फर्स्ट आएगा, सेकंड यूज करोगे सेकंड आएगा, थर्ड यूज करोगे थर्ड आएगा। अब ये रहा हमारा फ्लैश, ये फ्लैश का है, ये हमारा माइक्रोसिलिका का है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आप बेफिक्र नहीं होना, मैं फुल फॉर्म में ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या 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 होता है, ठीक है, किस चीज़ों का यूज कहाँ होता है, किस चीज़ से क्या होता है, ये माइक्रोसिलिका और ये फ्लैश होता क्या है आखिरकार। यहाँ तक कि मैं सीमेंट और एग्रीगेट सैंड वाश सैंड ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये हमारा वाटर, ये हमारा एडमिक्चर, यहाँ एडिटिवल दिया हुआ है तो मुश्किल नहीं है, इसको एडमिक्चर बोलते हैं, इसका नाम है एडिटिवल, एडमिक्चर है ये, ठीक है, यानी कि केमिकल। सारा देख रहे हैं आप भाई साहब कि आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि ये सारा कनेक्शन हुआ है, सब कुछ का कनेक्शन हमारा यहाँ मिक्सर, ये है मिक्सर जिसमें हमारा कंक्रीट प्रोडक्ट होता है, कंक्रीट प्रोडक्शन यहाँ होता है हमारा मिक्सर में, सारी चीज़ें हमारा इधर से इधर से इधर से इधर से, आप देख रहे हैं सब चीज़ों का जो भी है लाइन आके मिक्सर में ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें जो भी हमें चाहिए वो एडमिक्सर में आ जाता है, और एडमिक्सर में अपना मिक्सर होके, और ये क्लोज हुआ पड़ा है अभी तक डोर, यहाँ दरवाज़ा खुल जाता है, यहाँ अपना ट्रक लगा होता है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रक लगा हुआ है, लगा होता है यहाँ पे, और ये यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होके और यहाँ से अपना कंक्रीट प्रोडक्ट होके अपना चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे हम कंक्रीट को प्रोडक्ट करते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दोस्तों आपने सॉफ्टवेयर चलाने का तो हद तक मैंने प्रयास किया आपको बताऊं सिखाऊं, और फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा आपसे, कहूंगा ये बात कि हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, हर कंपनी का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जैसा मैंने आपको अपने इस पे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर को बताया, सब जगह कुल मिला के चीज़ें यही होती हैं, बस उनका ढांचा और उनका जो देखने का वो होता है उसको कह सकते हैं ग्राफिक्स, वो अलग अलग होता है, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, एक जगह हम समझ जाएंगे तो बाकी जगह भी समझ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से हम आपसे विदा ले रहे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें, मैं आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा।